क्योंकि अपनी भूमिका जैसा आरती तिक्कू बता रही थी, इनका जुड़ाव भी रहता है और एक हिंदुत्व राष्ट्रवाद से भी जुड़ाव रहता है। ऐसे में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाना है कि जो बीजेपी की अपनी भूमिका है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर, वो आपको सबसे प्रमुख समारोह में भी दिखाई दे रहा है। और प्रणय, एक बात और जो लगातार चल रहा है कि पीढ़ी बदलाव, आपको एक बस जल्दबाजी में जल्दी से बता दें कि 2003-2002 के आसपास राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड में बनाए गए थे और गुजरात में नरेंद्र मोदी, ये भी उस समय शिफ्टिंग हुआ था। हालांकि राम प्रकाश गुप्ता और नित्यानंद स्वामी बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी लंबी पारी खेल रहे। ऐसे में तीनों राज्यों में जो नई पीढ़ी को दिया गया है, ये देखने वाली बात होगी कि इनमें से कौन लंबी पारी खेल पाता है और कौन। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा आपको रविंद्र, और ये तस्वीरें भी मिलने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और भोपाल का मोतीलाल नेहरू परेड ग्राउंड, ये वो जगह है जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव शपथ लेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी सत्ता और अनुशासन के साथ साथ पीढ़ी परिवर्तन का भी संदेश देती हुई नजर आ रही है इस शपथ ग्रहण समारोह में, और साथ ही रायपुर के अंदर भी इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है जहां विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो मोतीलाल नेहरू परेड ग्राउंड की तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर उतर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह महत्वपूर्ण है बीजेपी के संगठन के लिहाज से भी, और जिस तरीके से मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के अंदर चुनावी जीत दर्ज हुई है और उस जीत में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सक्रिय भूमिका इस लिहाज से भी थी क्योंकि उन्हीं के नाम को आगे रखते हुए चुनाव भी लड़ा गया। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये नारा भी बुलंद किया गया था। और अब शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और देखिए उनके गाड़ियों का काफिला भी परेड ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। एसपीजी की टीम पहले ही पहुंच चुकी है, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वो तस्वीरें भोपाल के मोतीलाल नेहरू ग्राउंड की तस्वीरें हैं जहां पर व्यापक तैयारियां की गई हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। प्रेरणा, मैं अपडेट ये देना चाहूंगा इस विमान से, इस हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले यहां पर पहुंचे क्योंकि स्टेट हैंगर पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विमान लैंड हुआ है और वहां से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल परेड ग्राउंड पहुंचे, जबकि अन्य जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, इन सभी का विमान जो है भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से इस कारकेट के जरिए, ये कारकेट तैयार हो रही है जो सीधा हेलीकॉप्टर तक पहुंचेगी और यहां से प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना होंगे क्योंकि अलग अलग जगहों पर बड़े नेताओं की ड्यूटी भी स्वागत के लिए लगाई गई थी। तो एयरपोर्ट पर जो सामान्य अन्य राज्यों की मुख्यमंत्री और इसके अलावा अन्य नेता हैं वो पहुंचे हैं, जबकि स्टेट हैंगर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा था और स्टेट हैंगर से सीधा पीएम मोदी लाल परेड ग्राउंड की तरफ पहुंचे हैं। अब उनकी सिक्योरिटी बाहर की तरफ हो रही है। अब हम देखते हैं कि इस तीनों हेलीकॉप्टर में से, मुझे लगता है संभवतः बीच के हेलीकॉप्टर में पीएम मोदी होंगे और वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जब पीएम मोदी यहां से उतरेंगे, क्योंकि अभी सिक्योरिटी जो है वो हेलीकॉप्टर से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रही है। ये पीएम मोदी का प्रोटोकॉल है, जब भी वो पहुंचते हैं तीन हेलीकॉप्टर से ही पहुंचते हैं और संभवतः बीच के हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री होंगे और वहां से हमारे कैमरामैन, हमारे सहयोगी अतुल जैन आपको जूम करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कारकेट लग रहा है और उसके दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं वो पीएम मोदी के स्वागत के लिए जो पहले से यहां पर मौजूद हैं वो पहुंच रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिक्योरिटी पूरी तरीके से बाहर उतर चुकी है और वो मुआयना कर रही है क्योंकि अब पीएम मोदी कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। एसपीजी की सुरक्षा है और ये जो कारकेट है वो धीरे धीरे लग रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी है जिस पर वो बैठकर कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना होंगे। जो अब हमें ये लग रहा है, ये पहला जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तमाम नेता यहीं पहुंच रहे हैं और कारकेट भी इसी तरफ रवाना हो रहा है। हमारे सहयोगी अतुल जैन उस तस्वीर को और थोड़ा हम पैन करके और उधर से जाके दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि एक बार वो तस्वीरें दिखाई दें कि जब